जी दोस्तों, जीशान अली टूरिस्ट मेंटोर चैनल की तरफों एक नवे टॉपिक के नाल आज की वीडियो का आगाज़ करूँ तो पहला थोड़े के रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इन लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, तो बैल आइकन प्रेस कर लो, मेरे चैनल को सबसक्राइब कर लेना। जी अज का टॉपिक शुरू करते हैं। अज का कंट्री हैगा मलदोवा, जेदा कैपिटल है किशिनाव, तो करंसी हैगी ल्यू, जड़ा तकरीबन एक ल्यू जड़ा वा वो पाकिस्तानी 16 रुपीज़ दे एक बराबर आ। तो यदि आबादी तकरीबन होनी आ अराउंड 2.7 मिलियन। खूबसूरत कंट्री आ, 3 मिलियन पीपल विजिट करते हैं एक ईयर दे विच। इहदा तकरीबन जड़ी लिविंग कास्ट आ वो अगर तुसी कंपेयर करो वो बाकी ईस्टर्न यूरोप के नाल थोड़ी जी चीप आ, $100 तो लगता $500 तक करा, डिपेंड करता कि तुसी कित्थे रहने हैं। अगर तो कैपिटल दे मेन डाउन टाउन रहने हैं तो अराउंड 400 to 500 डॉलर हो सकती है। अगर शेयरिंग दे विच रहने हैं या थोड़ा जहा सिटी तो बाहर रहने हैं अराउंड 100 to 150 होना है तकरीबन, डिपेंड करता कि तुसी कित्थे रहना पसंद करते हैं। अच्छा, मलदोवा अज असी क्यों चुने हैं? ये चूज़ करन दी एक तो रीज़न ये है कि 2024 ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि हो सकता कि यह यूरोपी यूनियन दे विच आ जाए, जिहड़ी बहुत ज़्यादा उम्मीद आ कि यूरोपी यूनियन दे विच आ सकता। इस करके साडा टॉपिक जिहड़ा सीगा ओह यही सीगा कि डंकी लाउण नालों बेहतर आ कि तुसी छोटे कंट्री दे विच चल जाओ, इनू बेस बना के अगे तुसी किसे शैंगन दे विच जा सकते हैं। ते इहदे तीन चार या पांच टाइप ऑफ वीज़ा दा, ते पाकिस्तान नूं इहदा वीज़ा चाहीदा वा, ते उहदे वास्ते इनविटेशन हुंदी आ। इहदी फीस होनी तकरीबन $60 दे करीब, ते बैंक स्टेटमेंट आ, चैंबर ऑफ कामर्स दा कार्ड आ, तां लैटर हैड चाहिए, कंपनी के डाकूमेंट्स चाहिए, फोटोज चाहिए, तो एप्लीकेशन फॉर्म जोड़े ऑनलाइन डाउनलोड करके उन्होंने फिल कर सकते हैं। इनविटेशन मस्ट आ, इनविटेशन तो बगैर वीज़ा नहीं लगता। इनविटेशन तकरीबन 80% चांसिस हो जाते कि वीज़ा लग जाएगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है, लेकिन इनविटेशन नसैसरी है। अच्छा, ये वीज़ा टाइप होंगे, वीज़ा ए, वीज़ा बी, वीज़ा सी, वीज़ा डी, स्टूडेंट वीज़ा होंगे एक, ए वीज़ा हों एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा, बी वीज़ा हों जरा नॉर्मल ट्रांजिट हों, सी वीज़ा हों शॉर्ट टर्म वीज़ा जरा हों, फिर एक सी वीज़े की टाइप होंगी एक शॉर्ट टर्म बिजनेस वीज़ा हों, जरा डी हों ना डी वीज़ा चाहिए वा, ये लोंग टर्म वीज़ा हों बिजनेस वीज़ा, ये उत्तर जाके तुसी कंपनी खोल सकते हैं एक्स वाई जैड। तो एक स्टूडेंट वीज़ा हों, स्टूडेंट थोड़ा जिहा है अगर तुसी कंपेयर करो ना जॉर्जिया दे नाल, ये थोड़ा एक्सपेंसिव आ जॉर्जिया दी निस्बत। इहदी जिहड़ी फीस आ सालाना ओह अराउंड $2,500 अच्छा एक साल दी फीस, जिहड़े फाउंडेशन कोर्स आ, क्योंकि ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री आ, इस करके थोड़ा जिहा है इहदी फीसां ज़्यादा वा। अच्छा, ये कंट्री जड़ा वा ना तुसी अगर देखोगे ना अगर मैप दे विच, इहदे एक तरफ हैगा वा यूक्रेन, बहुत वड्डा कंट्री आ, दूसरी तरफ हैगा रोमेनिया, ये दरम्यान चलदे। ते जिहड़ी मन्नू उम्मीद आ कि 2024 दे विच इह यूरोपी यूनियन दे विच आ जाएगा। अच्छा, हुण असी गल कर लैने आं दोस्तों, पाकिस्तान तो इंडिया तो अगर तो वीज़ा अप्लाई करते हैं थोड़ा जहा टफ आ, अगर तुसी मिडल ईस्ट के किसी रेजिडेंट परमिट के उत्ते बहुत ईजी आ, उत्थों वीज़ा लगन के चांसिस बहुत ज़्यादा वा इफ़ यू कंपेयर टू पाकिस्तान और इंडिया। उत्थे बहुत ज़्यादा ट्रैवल एजेंसियां वा जिहड़ियां तुहानूं इनविटेशन भी मंगवा के दे सकदियां वा, या तुहाडा वीज़ा लगवाउण दे विच मदद कर सकदियां, कंसल्टेंसी कर सकदियां, एक तो तरीका यह हो गया। दूसरा जी दोस्तों, अगर कोई किसी बंदे दे कोल जिहड़ा तुहाडा कोई अजीज रिलेटिव जां कोई फैमिली जां कोई फ्रेंड आ बहुत क्लोज, वो उहदे कोल शैंगन दा पासपोर्ट आ
ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਪਰਮਿਟ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਲਡੋਵਾ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਲੈ ਲਓ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਫੀਸ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਅਰਾਊਂਡ 2,000 to 3,000 ਇਹ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵਾ ਡੋਲਰ ਜਾਂ ਯੂਰੋ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਵਾ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਨ ਈਯੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆ ਜਾਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਡੰਕੀ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਆ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਬਣਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅੰਟਿਲ ਕੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ, ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਤੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ। ਗੁੱਡ ਲੱਕ।